ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या कर दी गई है। दो लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया है। अज्ञात बदमाशों ने यह हत्या की है। दनकौर कोतावली के जमालपुर की पूरी घटना है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे बदमाश घर में घुसे और दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दनकौर कोतावली के जमालपुर की पूरी घटना है, जहां पर बदमाशों के बेखौफ हौसले किस तरीके से जो बुलंद हो रहे हैं उनको देखा जा सकता है। आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। और फिर से ग्रेटर नोएडा में एक मामला सामने आ गया है, जहां पर गुंडे घर में घुसे, बदमाश घर में घुसे और दो लोगों की हत्या कर दी, दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और साथ ही साथ जिन लोगों की हत्या हुई है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने उनका शव भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच कर रही है, आखिर कौन ये बदमाश है, इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस हर एंगल से यहाँ पर छानबीन कर रही है, कोई चूक ना रह जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। आखिर पुलिस क्यों इतनी दुरुस्त नहीं है, क्यों जो बदमाश है उनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, कानून का खौफ उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और दो लोगों के मौत के घाट उतार दिया जा रहा। बातचीत के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, ग्रेटर नोएडा में घर में बदमाशों ने घुसकर दो लोगों की हत्या कर दी, दो लोगों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, क्या पूरा मामला विस्तार से बताएं। मुझे की लगातार हो रहे एनकाउंटरों के बाद भी क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका जीता जागता सबूत इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैरा ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले वरुण भाटी के परिवार के दादा और दादी को जो है धारदार हथियार से काटकर जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। इसके अलावा तीन लोगों को गंभीर रूप से जो है जो अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जो है जूझ रहे हैं। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बदमाश देर रात वारदात को अंजाम देने के लिए आते हैं और जब पीड़ित परिवार इसका विरोध करता है तो बदमाश धारदार हथियार से दो लोगों की हत्या कर देते हैं। इसके अलावा तीन लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में अभी अभी जूझ रहे हैं। जी प्रीति, ताई ये भी जानना चाहूंगी, जो परिजन है उनका किसी तरीके का बयान सामने आया है? बिल्कुल, मृतक के परिजनों से मेरी बात हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को कुछ दिन पहले, क्योंकि गांव में ही चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था, तब मृतक शख्स ने जो है इसकी शिकायत जो है पुलिस से की थी, तब पुलिस ने कार्रवाई करने की जो है बात की गई थी। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ जो मृतक के परिवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस अगर समय रहते बदमाशों पर कार्रवाई करती तो हो सकता है कि आज दोनों मृतक जो है जिंदा होते और जो जिंदगी और मौत से अस्पताल में तीन लोग अभी भी जूझ रहे हैं उनकी ऐसी होती। गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें कहने और करने में जमीन में जो है फर्क नजर आता है, जिसके चलते बदमाशों के हौसले जो है जिले में इतने बड़े हुए हैं कि उन्होंने देर रात वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और दो लोगों की हत्या को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल ताई, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर अगर वक्त रहते ही पुलिस कार्रवाई करती तो दो लोगों की मौत नहीं होती।